उनको जान से मार दूंगा। मैं बहुत डरा था, बहुत भयभीत था। मेरे स्वर्गीय पिताजी इसी तकलीफ में मर गए 2017 में। मेरा पूरा परिवार एकदम परेशान था। मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरे गांव में मेरी इज्जत चली गई। यहाँ जहाँ भी हम शहर में रहते थे लोग जानते थे, कहते थे इसकी पत्नी अजीत सिंह के साथ हो गई। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि कौशाम्बी जिले से भी इससे मिलता जुलता प्रकरण सामने आया है। पीड़ित पूर्व सैनिक ने एसपी को शिकायती पत्र देकर अपनी बेवफा पत्नी और महकमे में दारोगा पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया कि उसको धोखे में रखकर दारोगा ने उसकी अध्यापक पत्नी से अवैध संबंध बनाए, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, दारोगा फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दे रहा है। ईसाई अजीत सिंह है जो कि वर्तमान में टेवा चौकी प्रभारी है कौशाम्बी जी। ये व्यक्ति ऐसा है कि इसलिए जब 2013 में राजरूपुर पुलिस चौकी में आया जी, तो ये इसकी जो बहन नीतू सिंह है वो मेरी पत्नी की सहेली जी, तो उसके सहारे ये मेरे घर में घुसे और धीरे धीरे दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशंस हो गए। अजीत सिंह को ये लालच था कि इस महिला के नाम पर करोड़ों की संपत्ति इसके पति ने कर रखी है, इसके नाम पे जायदाद है और वो महिला सरकारी कर्मचारी भी है। अब इन दोनों के इलिसिट रिलेशन होने के बाद 21 मई 2015 को इन्होंने एक बच्ची को भी जन्म दिया। मुझे बार बार जो है धमकाया जाता था कि ज़्यादा तुम बोलोगे तो तुमको तुम्हारे दोनों बच्चों को, जो कि मेरी पत्नी से दो बच्चे हैं मेरे जो मेरे पास आज भी हैं, उनको जान से मार दूंगा। मैं बहुत डरा था, बहुत भयभीत था। मामला मोहम्मदपुर पैसा के विविनियापुर गाँव का है, जहां विविनियापुर गांव के रहने वाले शरद कुमार पांडे भारतीय वायु सेना में सैनिक के पद पर कार्यरत थे। उनकी शादी साल 2005 में लखनऊ में हुई थी। शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर मोहम्मदपुर पैंसा में रहने लगी। सैनिक शरद से दो बच्चे हुए। साल 2010 में पत्नी को शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई, जिससे उनकी तैनाती पूर्व मुफ्ती के भीका गाँव में सरकारी स्कूल में हुई। शरद पांडे के मुताबिक पत्नी को नौकरी मिली तो सोचा परिवार खुशहाल हो गया, अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन पत्नी ने नौकरी पाने के बाद खुद को ससुराल से अलग करना शुरू कर दिया। साल 2013 में वो ससुराल में झगड़ा कर बच्चों को लेकर प्रयागराज की राजरूपपुर मोहल्ले में रहने लगी। राजरूपपुर पुलिस चौकी में ही दारोगा अजीत कुमार सिंह भी तैनात था, जिससे पत्नी और अजीत की मनमानियों पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं रह गया। शरद पांडे के मुताबिक उनकी पत्नी और शरद के बीच चल रहे अवैध संबंध का खुलासा उनके सामने साल 2015 में हो गया था, जब पत्नी के नाम खरीदी गई 1.25 करोड़ की जमीन में 25 लाख रुपए की जमीन चोरी से बेच दी गई थी। शक होने पर पत्नी का मोबाइल शरद ने चेक किया तो दोनों के बीच अश्लील चैट और आपत्तिजनक फोटो सामने आ गई। शरद ने इसका भी जवाब दिया कि उन्होंने शिकायत करने में इतना समय क्यों लगा दिया। जब 2015 में सारी जानकारी आई तो मैं खुद भी इतना डरा हुआ था, क्योंकि मैं यहां रहता नहीं, मेरे बच्चे असुरक्षित थे, उनको अगर मार दिया जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा इनको, मैं तो बाहर रह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे मेरी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत थी और मुझे इन बच्चों के साथ रहने की ज़रूरत थी, तो मैं चुपचाप रहा। अब इतना धमकाया गया, मैं नौकरी करने चला जाऊँ, दो बच्चे घर में अकेले पड़े, अगर उसको कोई भी अज्ञात आदमी आए मार के चला जाए तो मैं कुछ कर ना पाऊँगा। अब इतना धमकाने के बाद मेरे ऊपर एक बार 2017 में हमला भी हुआ है कौशाम्बी में, मंजनपुर में 2017 में मेरे ऊपर हमला किया गया था। बोला गया था कि तुम ज़्यादा उड़ोगे तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे। मैं बहुत डरा हुआ था। अब इस ज़मीन के विवाद में अभी हाल ही फिलहाल में 13 जुलाई की रात को मैं प्लॉट की तरफ था, दो तीन अज्ञात लोग रात को इस महिला के साथ आए थे और फिर मुझे धमकाए रात को कि तुम अब अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे तो तुमको जान से मार डालूंगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर आज ये बात मैं सबके सामने नहीं अगर बताऊँगा, कल के दिन मुझे कुछ इन लोगों ने कर डाला तो मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे और ये लोग पूरी दुनिया जीत लेंगे। पीड़ित शरद पांडे ने एसपी से मिलकर दारोगा अजीत कुमार सिंह पर अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर दूसरी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने और पीड़ित के बच्चों और उसके खुद की संपत्ति पर कब्जे में लिए जान से मारने की साजिश करने का गंभीर आरोप लगाया। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच सीओ मंझनपुर को सौंपी है। सेना के एक भूतपूर्व सैनिक है जिनका आरोप है कि उनकी पत्नी को एक उपनिरीक्षक है जो हमारे यहाँ पोस्ट है उनके द्वारा बहलाया फुसलाया गया है, परंतु उनसे आज बात हुई है मेरी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस महिला को तलाक दे दिया है। कुछ उनका जमीन का भी विवाद है और उसकी पूरी तरह से जांच शिव मंजनपुर द्वारा की जा रही है।
जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाएगा उसमें। शरद ने दावा किया कि उसकी पत्नी को 21 मई 2015 को हुई बेटी दारोगा अजीत सिंह के अवैध संबंध से पैदा हुई है, जिसकी डीएनए रिपोर्ट भी उन्होंने निकलवा रखी है। पत्नी और आरोपी दारोगा एक ही शहर से हैं। इतना ही नहीं, शरद का आरोप है कि बहू की हरकत के चलते सामाजिक प्रताड़ना न बर्दाश्त कर पाने के कारण उनके पिता सूर्यबली की मौत हो गई। शरद पांडे को अपने दो बच्चों की परवरिश के चलते वायु सेवा की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। पीड़ित अब दारोगा अजीत सिंह और पत्नी की साजिश के डर से खुद के और बच्चों के जीवन की हिफाजत में बचते बचाते फिर रहे हैं।